चिकित्सा वाले और आप देख रहे हैं अभी होम्योपैथी। तो आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम डेफिशिएंसी। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम डेफिशिएंसी। और आज हम क्या बात करने वाले कि अगर आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आपके अंदर क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, सिम्टम, और साथ ही साथ आप क्या खाएं जिसके कारण आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी बढ़ जाए। तो शुरू करते हैं, एंड तक जुड़े रहिए। चलो तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कैल्शियम इज़ अ इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ अ बॉडी। हमारे बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में 99% जो कैल्शियम आपको मिलेगा वो रहता है हमारे हड्डियों में, बोन में मिलता है। और अगर हम बात करें कैल्शियम, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी रहती है तो वो उससे क्या क्या बेनिफिट हो गए पहले वो देखते हैं। तो अगर बच्चे में देखें तो अगर कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी रहती है तो दांत अच्छे आते हैं, जो टीत रहते वो अच्छे से आते हैं, गुड क्वालिटी के आते हैं। साथ ही साथ 10 से 20 साल के बीच, जिसको एडल्सन पीरियड भी बोलते हैं, और इसमें बच्चे लोग का डेवलपमेंट होता है तो वो डेवलपमेंट में भी मदद करता है। साथ ही साथ आपके जो मांसपेशियां है, मसल्स है, उसको भी ग्रो करने में मदद करता है। बात करते हैं यंग फीमेल मैरिड में, यंग फीमेल जो कि मैरिड है उनके प्रेगनेंसी के टाइम कैल्शियम की बहुत इम्पॉर्टेंट, कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी आप देखेंगे कि अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए तो वो हमेशा कैल्शियम टेस्ट करने को बोलते हैं, ताकि क्या कि आपके जो अंदर फीटस है, कि गर्भ बन रहा है, उसके डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर वहाँ थोड़ा सा भी अगर कैल्शियम कम रहता है तो उनको सप्लीमेंट दिए जाते हैं ताकि वो उनके अंदर जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाए। साथ ही साथ अगर आप बुज़ुर्गों में, जो ओल्डर एज वाले लोग हैं उनमें देखें तो उनमें अगर कैल्शियम की मात्रा अच्छी रहती है तो उनको जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये कुछ था कैल्शियम के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है जॉइंट पेन। जी हाँ दोस्तों, बहुत जॉइंट पेन्स होते हैं, वीकनेस आ जाते हैं हमारे बोन में। और एक कॉमन साइट कहाँ है अगर कैल्शियम कम है तो, सबसे ज़्यादा कहाँ दी, पैरों के बोन्स है, पैरों की हड्डियाँ है, घुटने हैं, ये बहुत ज़्यादा दुखते हैं। उसमें से कटक कटक आवाज़ आता है, ऐसा आवाज़ आता है। साथ ही साथ वो पेशेंट जिसको कैल्शियम की कमी है उनको ऐसा फील होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, वो बोलते हैं कि हमें सीढ़ियाँ हमसे नहीं चढ़ी जाएगी। साथ ही साथ रूटीन लाइफ में उन लोग चलना बहुत कम कर देते, बैठना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये था फर्स्ट सिम्टम। अभी सेकेंड सिम्टम की बात करें तो लैक ऑफ वीकनेस, बहुत कमज़ोरी आ जाती है, थकावट आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, वो जो फुर्तीलापन रहता है ना वो नहीं रहता है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। साथ ही साथ अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी कम है तो इसके कारण क्या होगा कि आपके जो बोन है वो पतले हो जाते हैं, उसके कारण फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है और ये घुटने में होती है। साथ ही साथ मसल, मांसपेशियां बहुत दुखते, कमर के रीजन में, कमर के आसपास आपकी कमर बहुत दुखती है। साथ ही साथ आप ऐसे नोटिस कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि रात के समय जो पिंडलियाँ बोलते हैं, नहीं तो काफ मसल के एरिया के पास ना आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं। तो ये थे कैल्शियम के सिम्टम। और हम बात करें तो मेन है नाखून नेल्स में आपके नाखून कैसे हो जाएंगे, एकदम ड्राई हो जाएंगे, ऐसे क्रैक्स आ जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके नाखून में वाइट स्पॉट रहते, वाइट स्पॉट आने दिखते तो वो एक लक्षण है हमारे लिए कि वो आपके बॉडी में कैल्शियम कम है, तो आप कुछ एक स्टेप आगे ले कैल्शियम के लिए। साथ ही साथ हेयर फॉल में भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है। अगर आपके हेयर जो है, बाल है, वो पतले होने चालू हो जाते तो एक बार हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम कम हो रहा है। साथ ही साथ डिप्रेशन में भी कैल्शियम का एक सिम्टम है डिप्रेशन। फीमेल्स में पीरियड के टाइम जो पीरियड रहता है वो पीरियड वो बहुत पेनफुल रहता है। स्किन सिम्टम देखें तो आपकी जो स्किन है वो एकदम ड्राई हो जाती है, और साथ ही साथ बीमारी जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा, वो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर हम चाइल्ड में देखें, चाइल्ड में क्या क्या सिम्टम आए, तो सबसे पहले चाइल्ड में मेन है वो है टीथ। चाइल्ड में टीथ बहुत लेट आते हैं, बहुत
टाइम लगता है उगने आने में, और साथ ही साथ जो टीथ आ रहे दांत आ रहे वो एकदम कमज़ोर है, अच्छे क्वालिटी के नहीं है। और फिर अगर हम बात करें जो डेवलपमेंट पीरियड रहता है चाइल्ड में, 10 से 20 साल के बीच में जो पीरियड रहता है जिसमें चाइल्ड डेवलप होता है, वो डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम नहीं रहता है, इसलिए उनकी हाइट का भी एक इशू रहता है कि हाइट नहीं बढ़ रही क्योंकि उनके अंदर एक कैल्शियम रहता है वो नहीं रहता है। साथ ही साथ कैल्शियम की कमी होने की वजह से चाइल्ड में जो बोन रहते हैं ना वो पतले होने के कारण बैंड होना चालू हो जाते हैं बोन। तो बैंड होने को क्या बोलते हैं? रिकेट्स। जी हाँ दोस्तों, रिकेट्स। पर रिकेट्स विटामिन डी के लिए, अगर विटामिन डी कम है तो हम डी कम है तो रिकेट्स है। बट कैल्शियम और विटामिन डी का दोनों का आपस में रिलेशन है, मैं बताता हूँ। कैल्शियम का क्या काम है हमारे बॉडी में? जो हड्डियाँ है उसको मजबूत करने के लिए कैल्शियम का काम है। बट और विटामिन का क्या काम है? कि जो आपके खून में कैल्शियम बह रहा है वो खून में से एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? विटामिन डी का। तो विटामिन डी एब्जॉर्ब करेगा तो आपका कैल्शियम का लेवल अच्छा रहेगा और आपके हड्डियाँ मजबूत रहेगी। तो ये था विटामिन डी और कैल्शियम का रिलेशनशिप। तो दोस्तों ये थे कुछ सिम्टम्स कैल्शियम के। अब हम बात करते हैं फूड आइटम, हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारी कैल्शियम की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ सके। तो सबसे पहले फूड आइटम है कॉमन है जो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए, वो है मिल्क। जी हाँ दोस्तों, दूध एक अच्छी फूड आइटम है जो हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट हो पाती है। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट जो दूध में से बने हुए, जैसे दही है, पनीर है, चीज़ है, वो सब हम खा सकते हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। अगर हम वेजिटेबल के बारे में बात करें तो वेजिटेबल में स्पिनेच है, पालक है जिसको पालक भी कहा जाता है, लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जी ज़्यादा खाए, लौकी है, ब्रोकली है, लेडी फिंगर है, टमाटो है, मूली है, वो सब हम वेजिटेबल्स में खा सकते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। आंवला भी एक ऐसा है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। फ्रूट्स के बारे में बात करें तो ऑरेंज है, सीताफल है, पेरू जिसको गावा भी बोलते हैं, पपाया है। अगर आपको ऑरेंज ऐसे नहीं खाना है तो आप ऑरेंज जूस भी पी लीजिए, वो भी आपके सेहत के लिए अच्छा है, इससे आपके कैल्शियम की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करें तो बादाम है, आंवला है, इसमें भी कैल्शियम आपको बहुत हद तक अच्छा मिलेगा। राजमा है, छोले है, तिल भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे कैल्शियम को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ सोयाबीन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लवर है, जिसको नॉन वेजिटेरियन बहुत पसंद है, उनके लिए एग एक बहुत अच्छा गुड क्वालिटी सोर्स है फॉर कैल्शियम। मैं मानता हूँ कि एग प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है बट कैल्शियम के लिए भी बहुत अच्छा है एग। साथ ही साथ फिश में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है। तो ये कुछ था फूड। तो अगर आप ये जो फूड मैंने बताया अगर वो आपके डे टू डे डाइट में अगर आप इसका इंक्रीज़ कर देंगे तो बहुत हद तक आपका जो कैल्शियम है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ कैल्शियम के सिम्टम्स और साथ ही साथ कौन से फूड आइटम जो हमें लेने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू। जय हिंद।